हेलो दोस्तों मेरा नाम है गौतम और आप देख रहे हैं यू लाइक इलेक्ट्रॉनिक्स और दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से पैंतालीस अठावन को सिर्फ 12 वोल्ट से ही बास फिल्टर सर्किट बना सकते हैं तो जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों ये मैंने एक वीडियो बनाया था बारह जीरो बारह के ऊपर जो कि ये जो पैंतालीस अंठावन का सर्किट है ये बारह जीरो बारह पे काम करेगा यहाँ पे जो आठ नंबर पिन देख रहे हैं यहाँ पे जो आठ नंबर का पिन देख रहे हैं इसमें ये प्लस होता है बारह वोल्ट और यहाँ पे चार नंबर पिन माइनस बारह वोल्ट और यहाँ पे हमारा ग्राउंड होता है तो ये सर्किट जो दोस्तों काम करता है बारह जीरो बारह पे काम करता है लेकिन बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि इसको बारह वोल्ट पर कैसे चलाएं तो आज हम इसी के ऊपर बात करेंगे तो इसको हम किस तरह से बारह वोल्ट पर चलाएँगे तो अगर इस सर्किट का वीडियो आपने नहीं देखा है तो मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं या इसका मैं आई बटन में लिंक दे दूंगा आप पहले वो सर्किट देख लें फिर आपको ये पूरा समझ में आएगा कि किस तरह से सर्किट बना है मैंने उस वीडियो में हर कंपोनेंट को एक एक करके जोड़ कर वो वीडियो बनाया है आप पहले वो देख लें फिर आपको ये वीडियो समझ में आएगा ठीक है दोस्तों तो जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं ये मेरा बारह जीरो बारह का ये सर्किट है अब हम इसको बारह वोल्ट में कैसे बना सकते हैं सिर्फ बारह वोल्ट में कैसे काम करेगा और ये सर्किट दोस्तों आप किसी भी मतलब एम्पलीफायर में जो कि बारह वोल्ट से चलता हो या बारह जीरो बारह कोई भी सर्किट में आप यूज कर सकते हैं तो ठीक है दोस्तों तो वो जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं उसके लिए हमें सबसे पहले यहाँ दो रजिस्टेंस और एक कैपेसिटर की जरूरत होगी जिसका ये वैल्यू है आप देख सकते हैं ये जो रजिस्टेंस है टेन के का है दोनों और ये देख सकते हैं यहाँ पे पच्चीस वोल्ट और सैंतालीस यू का एक कैपेसिटर है आप यहाँ पे सौ यू भी ले सकते हैं ठीक है बस तीन कंपोनेंट बढ़ जाएंगे और कुछ इस तरह से कनेक्शन करना है दोस्तों बहुत ही सिंपल है तो सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं मैंने ये पहले इसका सर्किट बनाया हुआ था तो सिर्फ इसमें थोड़ा सा चेंजिंग होगा तो इस सर्किट में जो जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं तीन नंबर पिन में और पाँच नंबर पिन में एक पी लगा हुआ है उसको हम सिंपली इस पिन से हटा कर तीन नंबर और चार नंबर में कनेक्शन कर देंगे कुछ इस तरीका से यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों कुछ इस तरीका से कनेक्शन कर लेना है इसको पहले जो इसका कनेक्शन था तीन नंबर पिन से लेके और पाँच नंबर पिन में लेकिन अब इसका कनेक्शन तीन नंबर से लेके चार नंबर पिन में इसका हो गया है और यहाँ पे जो देख सकते हैं ये कैपेसिटर को हम ये जो देख रहे हैं चार नंबर पिन में हम नेगेटिव देंगे माइनस देंगे और पाँच नंबर पिन में हम पॉजिटिव देंगे ठीक है दोस्तों तो इस तरीका से हम इसको पहले कनेक्शन कर लेंगे यहाँ पे उस कैपेसिटर को हम इस तरीका से जोड़ लेंगे जिसका माइनस पॉइंट रहेगा इस चार नंबर पिन में और प्लस पॉइंट रहेगा इस पाँच नंबर पिन में देख सकते हैं यहाँ पे कुछ इस तरीक़े से इसको जोड़ लेना है फिर हम कैपेसिटर के माइनस और प्लस के बीच में हम इस दोनों माइनस प्लस के बीच में हम एक रजिस्टेंस टेन के का लगा देंगे यहाँ पे देख सकते हैं ये प्लस और माइनस के बीच में मैंने एक कैपेसिटर लगा दिया है अब हम एक रेजिस्टेंस जो बचा हुआ है दोस्तों उस रेजिस्टेंस का हम कनेक्शन इस आठ नंबर प्लस वाले में हम आठ नंबर से लेके और इस पाँच नंबर पिन वाले में हम इसका कनेक्शन करेंगे तो जैसा कि यहाँ पे देख सकते दोस्तों आठ नंबर पिन से लेके मैं आपको खोल कर दिखा देता हूँ यहाँ से ये यह देख सकते हैं वो आठ नंबर पिन से लेके ये जो रेजिस्टेंस है आठ नंबर पिन से लेके यहाँ से लेके और डायरेक्ट हम इस पाँच नंबर पिन में डायरेक्ट कनेक्शन कर दिए हैं दोस्तों बस सिंपली इसका कनेक्शन हो गया हुआ है यहाँ पे देख सकते हैं कैपेसिटर का माइनस पॉइंट इस चार नंबर पिन में और प्लस पॉइंट इस पाँच नंबर पिन में और एक तो रेजिस्टेंस लगा हुआ है दोस्तों इस रेजिस्टेंस का वैल्यू टेन के का है तो इस रेजिस्टेंस के रेजिस्टेंस जो लगाए हुए हैं एक कैपेसिटर के, के माइनस प्लस में लगा दिए हुए हैं और एक रेजिस्टेंस का कनेक्शन यहाँ पे हुआ है ठीक है दोस्तों ये मेरा सर्किट हो गया है तैयार दोस्तों मैं फिर भी आपको एक बार बता देता हूँ कि जैसा कि यहाँ देख सकते हैं एक और दो पिन में ये मेरा ऑडियो आउटपुट है हुआ जो कि किसी भी एम्पलीफायर में जाएगा यहाँ से फिल्टर करके ये आउटपुट करेगा और यहाँ पे जो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे लेफ़्ट राइट हमारा ऑडियो इनपुट होगा और ये जो पिन देख रहे हैं इसमें दोस्तों हमारा प्लस होगा बारह वोल्ट और यहाँ पे ये चार नंबर पिन में हमारा माइनस होगा चलिए तो इसका हम कनेक्शन कर लेते हैं तो जैसे कि हम देख सकते हैं मैंने एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पर प्रैक्टिकल के लिए मैंने ये बासठ तिरासी का बोर्ड यूज किया हुआ है मैंने इसका ऑलरेडी वायरिंग कर रखा है सिंगल चैनल का है दोस्तों अगर इसका च... वायरिंग के बारे में नहीं पता तो आप मेरे चैनल में जाके देख सकते हैं मैंने इसके ऊपर भी वीडियो बनाया हुआ है या मैं आई बटन में लिंक दे दूँगा आप वहाँ से देख सकते हैं और इसके साथ मैंने सब ऑफर स्पीकर कनेक्ट कर रखा है ये तीन इंची का सब ऑफर है क्योंकि इस पर ज़्यादा ज़्यादा इंच का सक्सेस नहीं हो पाता है दोस्तों मैंने तीन इंच का सब इस पर यूज करूँगा तो सबसे पहले मैं इसका जो देख सकते हैं यहाँ पर बारह कैपेसिटर लगा दिया है सैंतालीस यू और पच्चीस वोल्ट इससे होता क्या दोस्तों आवाज़ हमारा फटेगा नहीं पहले जो बोर्ड में आता है वो हज़ार यू एफ़ सोलो वोल्ट आता है लेकिन यहाँ पे आप हटा के सैंतालीस यू एफ़ पच्चीस वोल्ट सोलो वोल्ट भी लगा सकते हैं इससे क्या होगा कि हमारा जो आवाज़ बढ़ाने पे जो आवाज़ फटता है वो नहीं फटेगा और यहाँ पे बारह वोल्ट मैंने ऑलरेडी इसका कनेक्शन कर रखा है तो यहाँ पे मेरा बारह वोल्ट हो जाएगा ये हमारा माइनस है और ये प्लस है तो इसका कनेक्शन हम यहाँ पे कर लेंगे जो कि हमारा इसमें जो आठ नंबर पिन है दोस्तों ये हमारा मा प्लस हो गया तो इसका कनेक्शन हम प्लस कर लेंगे और यहाँ पे जो हमारा चार नंबर दिख रहा है दोस्तों ये हमारा माइनस हुआ तो इस माइनस का कनेक्शन हम इसमें कर लेंगे ये यह हमारा यहाँ पे हो चुका है यहाँ पे चार नंबर में माइनस और ये आठ नंबर में प्लस का कनेक्शन हो चुका है अब हम इसमें ऑडियो इनपुट देंगे दोस्तों और यहाँ पे मेरा ऑडियो इनपुट हो जाएगा दोस्तों ये लेफ्ट राइट -right को मैंने बोर्ड से ही कनेक्ट कनेक्शन करके डायरेक्ट एक वायर यहाँ निकाल लिया है और एक वायर जो ग्राउंड होगा दोस्तों उसको हम ग्राउंड में यहाँ पे माइनस वाले में हम साथ में कनेक्शन कर देंगे ठीक है यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे मैंने इसका सप्लाई का कनेक्शन कर किया हुआ है जो कि बारह वोल्ट है और यहाँ पर यह ऑडियो इनपुट का है जो कि हमारा एक छः नंबर पिन में कैपेसिटर से यहाँ पे जाएगा और एक वायर को जो कि ग्राउंड है उसको हम माइनस में डाल देंगे और यहाँ पे जो कि मैंने बताया था ये वाला जो दोस्तों हमारा ऑडियो आउटपुट होगा जो कि ये हमारा सॉप ऊपर फिल्टर करके किसी भी आप ऑडियो एम्पलीफायर में कनेक्ट कर सकते हैं तो ये हमारा सिंगल वायर है जो कि ऑडियो आउटपुट होगा क्योंकि हम बारह वोल्ट इसी से देंगे तो ग्राउंड ऑलरेडी इसको मिल चुका है दोस्तों अगर किसी ऑर्डर में आप कनेक्शन करना चाहते हैं तो आप एक यहाँ से ले लेंगे आउटपुट और एक ग्राउंड से लेके तो दो वायर हो जाएगा ठीक है तो एक वायर को हम इसका ऑडियो इनपुट में डाल देंगे जो कि बासठ तिरासी का ऑडियो इनपुट यहाँ पे है तो इसका हम यहाँ पे इनपुट का कनेक्शन कर देंगे तो इसका पूरा कनेक्शन हो गया दोस्तों फिर भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा सर्किट बारह वोल्ट का है यहाँ पे मैंने ऑडियो इनपुट का कनेक्शन किया हुआ है और यहाँ पे ग्राउंड है ठीक है और यहाँ पे ऑडियो आउटपुट है और यहाँ पे मेरा पावर सप्लाई कि ये ब्राउन कलर का देख रहे हैं ये मेरा प्लस है ये आठ नंबर पिन में गया हुआ है और चार नंबर पिन में हमारा ये ब्लैक है जो कि बारह वोल्ट है हम डायरेक्ट इस बोर्ड से लिए हुए हैं दोस्तों इसलिए हम इसका यहाँ पर सिंगल वायर लेकर इसमें ऑडियो इनपुट में डाल दिए हुए हैं अगर किसी आप अदर बोर्ड में कनेक्शन करना चाहते हैं तो इसका सप्लाई अगर बोर्ड से लेते हैं उसी बोर्ड से जिस बोर्ड से आप चलाना चाहते हैं ये चौवालीस चालीस तीस पचपन सब में काम करेगा तो इससे आप सिंगल ले सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी इसको ग्राउंड यहाँ से ब्लैक यहाँ पे देख सकते हैं ये जो वायर आया हुआ है ब्लैक इसमें इसको ऑलरेडी ग्राउंड मिल चुका है तो इसको हम इसलिए सिंगल यहाँ पर खींचे हुए हैं तो आप यहाँ से एक लेकर यहाँ से एक लेकर आप डायरेक्ट ऑडियो आउटपुट कर सकते हैं तो चलिए दोस्तों इस ये जो हमारा दिख रहा है यहाँ पे अठहत्तर जीरो पाँच लगाए हुए हैं इस कार्ड के लिए तो इसका हम कनेक्शन इसमें कर देंगे और यहाँ पे मेरा ये सब स्पीकर इस्पीकर तीन इंच का है तो चलिए दोस्तों अब हम इसमें सप्लाई देकर इसका टेस्ट करते हैं कि हमारा ये कैसा वर्क करता है तो इसको हम साइड में कर लेते हैं और यहाँ पे ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो चलिए दोस्तों अब हम इसमें सप्लाई देते हैं और चेक करते हैं कि हमारा ये सब फिल्टर कैसा काम करता है तो दोस्तों मैंने इसमें सप्लाई दे दिया है और यहाँ पे मेरा कार्ड में लाइट आ चुका है अब हम इसको ऑन करते हैं यहाँ से वोल्यूम बढ़ाते हैं बहुत अच्छा काम कर रहा है दोस्तों देख सकते हैं तो दोस्तों आप इस तरह से बास फिल्टर बना सकते हैं तो दोस्तों हमारे वीडियो कैसा लगा तो प्लीज़ लाइक करें शेयर करें और हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद आपका दिन शुभ हो